देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये आंकड़ा 3,32,000 के करीब पहुंच गया है। पूरे देश में 3,32,000 कोरोना के मरीजों का आंकड़ा सामने आया है। और खाली राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 43,000 का आंकड़ा पहुंच चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना हर रोज घातक साबित हो रहा है। दिल्ली हर रोज अपना ही रिकॉर्ड बनाकर उसके अगले दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। कोरोना के मामले में दिल्ली देश में तीसरे पायदान पर बनी हुई है, यानी कि दिल्ली देश में तीसरा सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों वाला प्रदेश बन गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में आए 1647 नए मामले। दिल्ली में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 42,829 पहुंच गई। पिछले 24 घंटों में 73 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कुल मौतों का आंकड़ा 1400 पहुंच गया है। दिल्ली में कुल 22,298 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में कुल 5420 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। दिल्ली में कुल 25,002 एक्टिव मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 604 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कुल 16,427 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में आंकड़ों की रफ्तार अब बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ दिल्ली का रिकवरी रेट भी पहले के मुकाबले कम हो गया है। दिल्ली में जो रिकवरी रेट 49% तक पहुंच गया था, अब वो ताजा आंकड़ों के मुताबिक करीबन 38% तक रह गया है। इसके विपरीत दिल्ली का पॉजिटिव रेट बढ़ोतरी हो रही है, जो बेहद चिंता का विषय है। और इससे चिंता का विषय ये भी है कि दिल्ली में पहले के मुकाबले टेस्टों की संख्या में भी 50% तक की कमी आई है। दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।